स्कन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले नम रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो 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 हरे हरे टेक्स्ट 15 स्थिरं सुखं चासनं आसितो यते यदा जिहासोर इम अंगलोकम् काले च देशे च मनोस सज्जे प्राणानि यच्चेन मनसा जितस्सु Translation, O King, whenever the yogi desires to leave this planet of human beings, he should not be perplexed about the proper time or place, but should comfortably sit without being disturbed and regulating the life where should control the senses by the mind. तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जो योगी है जिसको इच्छा है कि उसको ये जो मनुष्य शरीर त्यागना है उसका अंतिम घड़ी आ चुका है वो योगी को स्थान के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए कौन से स्थान में हूँ कौन से मेरा परिस्थिति है कौन सा समय है हालांकि भगवान गीता में बताते हैं कि शरीर त्यागने का उचित समय होता है उचित स्थान होता है पर योगी को यह सब के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए उसको यहाँ पे वर्णन है स्थिरम सुखम चासनम स्थिर रूप से बैठना चाहिए और बिना मन को विचलित किए अपने इंद्रियों और मन का दमन करना चाहिए परपुण इन द भगवद्गीता 8.14 It is clearly stated that a person who is totally engaged in the transcendental loving service of the Lord and who constantly remembers Him at every step easily obtains the mercy of the Lord by entering into His personal contact. तो गीता का 8वां अध्याय भगवान बताते हैं कि कैसे अंत समय पे व्यक्ति को शरीर त्यागना है तो भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा है भक्तिमय सेवा में और भगवान को निरंतर याद कर रहा है ऐसे व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति बहुत आसानी से होता है सच डिवोटीज डू नॉट नीड टू सीक एन ऑपरचून मोमेंट टू लीव द प्रेजेंट बॉडी तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि काफ़ी सारे भक्तों का ये प्रश्न रहता है अरे किसी भक्त का एक्सीडेंट हो गया तो उसने शरीर ठीक तरह से त्यागा नहीं रात के समय उसका देहांत हो गया तो लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण रहता है कि समय उचित नहीं था गलत समय पर उसने शरीर त्याग दिया उसका अंतिम गति क्या होगा तो यहाँ पे क्लियरली वर्णन आ रहा है कि भक्त को ये सब के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है
बाकी योगियों को चिंता करने की ज़रूरत है कौन सा स्थान कौन सा समय पे वो शरीर छोड़ते हैं। भक्तों के लिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि भक्त कभी भी हर एक समय पर क्योंकि भगवान का याद कर रहे हैं उनका हर एक क्षण शुभ है अशुभ नहीं होता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है जब चंद्र ग्रहण होता है तो ग्रहण का समय अशुभ माना जाता है पर चैतन्य महाप्रभु उसी समय पर जन्म लेते हैं क्योंकि उस समय क्योंकि चंद्र ग्रहण हो रहा था पूरे नवद्वीप के लोग हरिनाम ले रहे थे क्योंकि ग्रहण के समय ग्रहण का जो अशुभता है उसको दूर करने के लिए लोग गंगा में स्नान करते हैं और हरिनाम लेते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने वो समय चुना अवतार लेने का क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का कैलकुलेशन था अगर कोई भगवान का निरंतर नाम का जप कर रहा है वो सबसे शुद्ध स्थिति है। जैसा गीता गीता कहाँ पे बोला गया है कुरुक्षेत्र रंगभूमि में यहाँ पे भी युद्ध होने वाला है मारामारी होने वाला है और वहाँ पे भगवान ने गीता बताया है क्यों क्योंकि स्थिति और समय और जो स्थान है उस पे निर्भर नहीं है कुछ जो कार्य है शुभ है कि अशुभ है। कार्य शुभ कब होता है जब हम निरंतर भगवान का नाम का या भगवान के रूप का स्मरण करते हैं। इसलिए डिवोटीज भक्तों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है कौन से घड़ी पे वो शरीर त्यागते हैं दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट दोज हु आर मिक्स्ड डिवोटीज अलॉयड विद फ्रूटिव एक्शन और एम्पिरिकल फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन रिक्वायर एन ऑपरचून मोमेंट फॉर क्विटिंग दिस बॉडी। पर जो भक्त नहीं है जो मिश्रित भक्त हैं ज्ञान मिश्र भक्त है योग मिश्र भक्त हैं इनके लिए बहुत जरूरी है कि सही समय पे शरीर को त्यागना। फॉर देम द ऑपरचून मोमेंट आर स्टेटेड इन भगवद्गीता 8.23-26। तो उनके लिए भगवान 8वें अध्याय के 23-26 श्लोक में बताते हैं कि अगर कोई रात के समय शरीर त्यागता है तो उनको नीचे के गति नीचे के लोक में उनको जन्म लेना पड़ता है। दिन के समय कोई त्यागता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दक्षिणायन के समय कोई त्यागता है 6 महीना दक्षिणायन होता है उस समय उनको नीचे के योनि में जन्म लेना पड़ता है। उत्तरायण में कोई त्यागता है तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये सब वर्णन आता है पर ये सब भक्तों के लिए नहीं है। बट दीज ऑपरचून मोमेंट्स आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज वंस बींग अ सक्सेसफुल योगी हु इज एबल टू क्विट हिज बॉडी एज ही लाइक्स। तो ये सब जो घड़ी है समय है भक्तों के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सच अ योगी मस्ट बी कंप्लीट कंट्रोल हिज माइंड बाई द सेंसेस बाई द माइंड द माइंड इज ईजिली कॉन्कर्ड सिंपली बाई एंगेजिंग इट एट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। तो योगी का कर्तव्य है कि इंद्रियों का दमन करना मन के माध्यम से मन को इस्तेमाल करके इंद्रियों का दमन करना। पर मन पे विजय कैसे प्राप्त होगा जब हम मन को भगवान की सेवा में लगाएंगे। येन केन प्रकारेन मन कृष्ण निवेशयेत। तो ये सारांश है सब शास्त्रों का किसी न किसी प्रकार मन को भगवान के चरण कमल में लगाना है। तो इस तरह से मन भगवान के चरण कमल में भक्तिमय सेवा में लगा रहेगा इंद्रिय हमेशा बिजी रहेंगे भगवान के सेवा में तब इंद्रिय भोग करने का जो वासना है वो घटेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन जो मंदिर में रहते हैं या बाकी भक्तों के लिए भी प्रभुपाद ने प्रोग्राम दिया है पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम बाद में दिन भर प्रीचिंग फिर से शाम को आके गीता पढ़ो क्योंकि दिन भर हम बिजी रहेंगे भगवान की सेवा में तब हम माया से दूर रह सकते हैं। ग्रेजुअली बाई सच सर्विस ऑल द सेंसेस बिकम ऑटोमेटिकली एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड दैट इज द वे ऑफ मर्जिंग इन टू द सुप्रीम एब्सोल्यूट। तो इस तरह से जब हम प्रैक्टिस करेंगे अभ्यास करेंगे हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना तो इससे धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होगा और हम भगवान पे लीन होंगे मतलब हमको भगवान की प्राप्ति आध्यात्मिक जगत में सेवा की प्राप्ति मिलेगी। टेक 16 मनस्व बुद्ध्यात्मलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एताम निनयेतम आत्मनि
आत्मानम आत्मनि अवरूद्य धीरो लबो पशंत शांतिर विरमेत कृत्या। ट्रांसलेशन, देयर आफ्टर द योगी शुड मर्ज हिज माइंड बाय हिज अनअलॉयड इंटेलिजेंस इनटू द लिविंग एंटिटी एंड देन मर्ज द लिविंग एंटिटी इनटू द सुपर सेल्फ एंड बाय डूइंग दिस द फुल्ली सैटिस्फाइड लिविंग एंटिटी बिकम सिचुएटेड in the supreme stage of satisfaction so that he ceases from all other activities. तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जो योगी हैं, ये अध्याय का शीर्षक है द लॉर्ड इन द हार्ट, हमने परमात्मा का वर्णन देखा। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कैसे हर एक व्यक्ति को जो परमात्मा पे ध्यान करते हैं उनको भगवान की प्राप्ति कैसी होती है, भगवत धाम की प्राप्ति कैसी होती है। तो यहाँ पे बताते हैं कि योगी को अपना जो मन है भौतिक इंद्र तृप्ति से निकाल के नियंत्रित करके वो योगी को मन बुद्धि के साथ मिलाना चाहिए। और कौन सा बुद्धि? बुद्धिया अमलाय, जो शुद्ध बुद्धि है। तो कल भी हम यही चर्चा कर रहे थे कि ये जो भौतिक बुद्धि है उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि हमारा बुद्धि भी अभी दूषित हो चुका है। इसीलिए लोग जो अपने बुद्धि का आश्रय लेते हैं तो वो भी धोखा पाते हैं क्योंकि हमारा बुद्धि के अंदर भी दोष आ गए हैं। इसलिए यहाँ पे वर्णन आ रहा है इस अनअलॉयड इंटेलिजेंस, शुद्ध बुद्धि, मतलब हमारा बुद्धि जो है शास्त्रों से हमको मिलना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे योगी को मन को बुद्धि के साथ जो अनअलॉयड इंटेलिजेंस है शुद्ध बुद्धि अमलया बुद्धिहा उसके साथ मिलाना चाहिए और जीव को आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाना चाहिए। इस तरह से बाय डूइंग दिस द फुल्ली सैटिस्फाइड लिविंग एंटिटी बिकम सिचुएटेड इन द सुप्रीम स्टेज ऑफ सैटिस्फैक्शन। तो ये करने से ये जो जीव है उसको परम संतुष्टा लब्धो पशांतिर, जो सबसे बड़ा शांति है और संतुष्टा है उसकी प्राप्ति होगी। और विरमेत कृत्यात्, और इस तरह से उसके जितने भी कर्म हैं वो सब बंद हो जाएंगे। परपोट, द फंक्शंस ऑफ द माइंड आर थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग। तो मन के तीन कार्य है, थिंकिंग सोचना, फीलिंग महसूस करना भावना व्यक्त करना, और विलिंग करने का इच्छा। तो ये तीन चीज एक के बाद एक आता है। पहले मन में विचार आता है, वो विचार के बारे में हम ज्यादा सोचते रहेंगे हृदय मिल जाता है वो विचार के साथ, और भावनाएं आती है। पहले एक व्यक्ति के प्रति या लड़का लड़की पहले किसी के प्रति सोचता है, पर जितना ज्यादा सोचेगा उसका हृदय भी आसक्त बनता है तो भावनाएं भी उसके साथ जुड़ जाता है, फीलिंग। उसके बाद विलिंग, उसके बाद इच्छा होता है, नहीं मुझे इसको प्राप्त करना है, जाके गुलाब लेके जाता है प्रपोज करने के लिए। वो कब होता है? जब पहले थिंकिंग होता है, फीलिंग और विलिंग। व्हेन द माइंड इज मटेरियलिस्टिक और अब्सॉर्ब्ड इन मटेरियल कॉन्टैक्ट इट एक्ट्स फॉर मटेरियल एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज डिस्ट्रक्टिवली एंडिंग इन डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो मन जब भौतिक रहता है, मन का हमेशा चिंतन भौतिक रूप से ही होता है और वो हमेशा भौतिक जो दुनिया है उसका जो आसक्ति है वो बढ़ाने का प्रयास करता रहता है, और इसके लिए अलग अलग ज्ञान अर्जित करना, अलग अलग स्किल्स अर्जित करना, और ये करते करते एंड में क्या होता है, अपना ही डिस्ट्रक्शन पाता है। जैसे कल हम हमारे गीता क्लास में यही चर्चा कर रहे थे, रावण का भी जिंदगी इसी से शुरू होता है, थिंकिंग फीलिंग विलिंग। रावण सीता के बारे में सोचता है, बाद में सीता को प्राप्त करने का उसका भावना तीव्र होता है, बाद में सीता का अपहरण भी करके लेकर आता है, पर क्योंकि भौतिक रूप से भोग करने का प्रयास कर रहा है उसका अंतिम गति क्या है, डिस्ट्रक्टिवली एंडिंग, उसका नाश हो जाता है। भौतिक रूप से अपने चिंतन का उपयोग कर रहा है, इसके वजह से स्वयं का नाश बन जाता है। जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं, तो भौतिक दुनिया में लोग ज्ञान अर्जित करते हैं, एंड में न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं,
अलग अलग एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स, और इसके साथ क्या होने वाला है, एक दूसरे, एक देश दूसरे देश को मारने वाला है। तो ये भौतिक दुनिया है, नरक की ओर हमको लेके जाएगा। बट वेन द माइंड एक्ट्स अंडर स्पिरिचुअल अर्ज, इट एक्ट्स वंडरफुली फॉर गोइंग बैक होम, बैक टू गॉडेड, फॉर लाइफ इज कंप्लीट ब्लिस एंड इटर्निटी। तो हमने देखा कि मन के गलत चिंतन से आदमी फंसता है। गीता का 61-62 वर्स, ध्यायतो विषयान मम्सान संगास्ते सुपजायते, संगान संजायते कामा, कामान क्रोधो बिजायते, क्रोधान भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जो मन ध्यायतो विषयान मम्सान, जब हम मन को इंद्र तृप्ति में लगाते हैं, उसी के चिंतन में लगाते हैं, एंड में क्या होता है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, ऐसे व्यक्ति का पतन और नाश निश्चित है। पर वही मन को अगर हम आध्यात्मिक दिशा में लगाएंगे, तो मन, इसलिए गीता के 6 अध्याय में भगवान बताते हैं मन बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है, वही मन है। तो मन को दोषी ठहराने की जरूरत नहीं है, मन बुरा नहीं है, हम किस तरह से मन को उपयोग करते हैं उस पर निर्भर है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल बुरा है कि अच्छा है हमारे ऊपर निर्भर है, हम किस तरह से प्रयोग करते हैं। इसलिए वही मन को जो हमको बंधन में फंसाता है, वही मन को हम आध्यात्मिक दिशा में लेके जाएंगे, उसको चैनलाइज करेंगे आध्यात्मिक दिशा में, तब मन बहुत सुंदर तरीके से कार्य करता है और हमको भगवत धाम लेके जाता है, जहाँ पे हम शाश्वत आनंद और शाश्वत जीवन प्राप्त कर सकें। देयरफोर द माइंड हैज टू बी मैन्युपुलेटेड बाई गुड एंड अनअलॉयड इंटेलिजेंस। इसलिए मन को प्रॉपर लिख रहे हैं मैन्युपुलेटेड, मन को हम मार नहीं सकते। मन के इच्छाओं का मार सकते हैं क्या? मार नहीं सकते। तो मन को मैन्युपुलेट करना है धीरे धीरे, जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे को वो गलत चीज़ करता रहता है, नटखटपन करता रहता है, तो बच्चे को डांट के फायदा नहीं है, बच्चे को धीरे धीरे उसको अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। इसलिए जो माता पिता हैं बच्चों को बेचते हैं ड्राइंग स्कूल में या कुछ खेल सीखने में, क्योंकि इस तरह से मन लगाएगा तो वो उसका बुरा कार्य अपने आप छोड़ देगा। वैसे ही मन हमारे एक बच्चे की तरह है, इसको धीरे धीरे मैनिपुलेट करके हमारे जो ऊंचा बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि है, शास्त्रों के का जो बुद्धि है, उसका उपयोग करके धीरे धीरे मन को भगवत धाम की ओर लेकर जाना है। परफेक्ट इंटेलिजेंस इज टू रेंडर सर्विस अन टू द लॉर्ड। इसलिए सबसे उच्च कोटि बुद्धि क्या है? भगवान के सेवा में अपने आप को समर्पित करना, दैट इज इंटेलिजेंस। इसलिए जो भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो पागल नहीं है, ये सबसे बुद्धिमान लोग हैं, क्योंकि उनको पता है जिंदगी का लक्ष्य, जैसे हमने कल पढ़ा था, प्रभुपाद ने समझाया था, द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू रेंडर सर्विस, द रियल पर्पस ऑफ लाइफ इज टू मेक कॉन्ट्रैक्ट विद द लॉर्ड एंड बी एंगेज इन अ सर्विस। तो प्रभुपाद बता रहे हैं जिंदगी का लक्ष्य है भगवान के साथ संपर्क जोड़ना और उनकी सेवा करना। वन शुड बी इंटेलिजेंट इनफ to understand that the living beings in all circumstances a servant of the circumstances. तो ये जानना चाहिए कि जो जीव है हर एक अवस्था में भगवान, जो परिस्थिति है उसका दास है, वो परिस्थितियों को चेंज नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, परिस्थिति उसको कंट्रोल कर सकते हैं। Every living being is serving the dictates of desire, anger, lust, illusion, insanity and enviousness, all materially affected. तो हम सब भगवान के सेवा छोड़ चुके हैं और ये भौतिक दुनिया में आए हैं, हम किसकी सेवा कर रहे हैं? हमारे इच्छाओं की सेवा कर रहे हैं, हमारे अहंकार का सेवा कर रहे हैं, हमारे काम वासना, क्रोध वासना, मद मोह ईर्ष्या, इन सब का हम सेवा करते रहते हैं। एक मालिक को हमने छोड़ दिया, ये जो षड रिपु है, 6 अनर्थ है, वो हमारे मालिक बन चुके हैं, उनकी हम सेवा कर रहे हैं।
But even while executing such dictations of different temperaments, he is perpetually unhappy. तो ये वर्णन आता है कि ये जो मालिक हैं काम वासना क्रोध इत्यादि, आप जितना भी सेवा करो उनका, वो कभी संतुष्ट नहीं होंगे, कभी सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि आपने अच्छा सेवा किया। वो उनका जो डिमांड्स है बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। इससे अच्छा है कि हम भगवान की सेवा करें। When one actually feels this and turns his intelligence to inquiring about it from the right sources, he gets information about the transcendental loving service of the Lord. तो ये भी महत्वपूर्ण है, हम हमारी इंद्रियों का इच्छाओं का सेवा करते रहते हैं पर हमको समझ में नहीं आता कि हमको दुख मिल रहा है, हमको लगता है कि ये सुख है। जैसे हम संडे को चर्चा कर रहे थे, ये जो ऊंट रहता है कैमल रहता है उसको कैक्टस अच्छा लगता है, जो थॉर्न्स के साथ वो झाड़ रहता है उसको अच्छा लगता है, वो खाता है और उसको लगता है ये आनंद है, पर उसको पता नहीं उसको आनंद कहाँ से मिल रहा है। वो कैक्टस उसके जीवा को काटता है और वो उसका ही खून चक्र है और उसको वो आनंद लग रहा है। तो वैसे ही काम वासना क्रोध इत्यादि हमको ही खराब करता है, हमको एक्चुअली और दर्द देता है, पर ये दर्द को हम खुशी मान के इसको छोड़ नहीं रहे, वी आर नॉट लीविंग इट। तो जब ये बुद्धि आता है, जैसे भागवत में वर्णन है 11वें स्कंद में कृष्ण उद्धव को ये कहानी बताते हैं पिंगला का। तो पिंगला एक वैश्या थी, तो वो रोज अपने घर के बाहर खिड़की के बाहर अलग अलग पुरुषों को देखती थी और लगता था अरे ये आके मेरा संभोग करेगा, मुझे धन मिलेगा। तो इस तरह से रोज अलग अलग पुरुषों के साथ संग करती थी। तो एक दिन पिंगला ने देखा एक रात भर खड़ी थी नींद को खो के, कोई आएगा ये आएगा वो आएगा, रुकी थी। पर एंड में उसको ये साक्षात्कार हुआ, मैं भोग करने का प्रयास कर रही हूँ पर मैं खुश नहीं हूँ, मैं सबसे दुखी हूँ, क्योंकि मैंने अपना जो सुख है दूसरों के हाथ में दे दिया है, दूसरों पे निर्भर हूँ मेरे सुख के लिए, अगर वो नहीं आएगा तो मैं दुखी रहूँगी। जब पिंगला को समझा कि मेरा काम वासना मुझे सुख नहीं दे रहा है, दर्द दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तो पिंगला ने वो काम वासना को छोड़ दिया, जस्ट गिव इट अप। तो वैसे ही प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, जब हमको समझ में आता है ये काम क्रोध इत्यादि हमको सुख नहीं देता, हम इसको छोड़ने के लिए तैयार हैं, तब व्यक्ति भगवान के बारे में ज्ञान स्वीकार करता है और भगवान को अपना मालिक बनाता है। इंस्टेड ऑफ सर्विंग मटीरियली फॉर द अबव मेंशन्ड डिफरेंट ह्यूमर्स ऑफ द बॉडी, द लिविंग एंटिटीज इंटेलिजेंस देन बिकम्स फ्रीड from the unhappy illusion of materialistic temperament, and thus by unalloyed intelligence the mind is brought into the service of the Lord. इस तरह से जब जीव समझता है, धीरे धीरे उसका जब बुद्धि आता है, अवेयरनेस जब उसको समझ में आता है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ काम वासना या जो क्रोध वासना है, ये जब ये मुझे ज़्यादा दुख दे रहा है, तब इसको छोड़ता है और भगवान का सेवा स्वीकार करता है। वही 11वें स्कंद में कृष्ण उद्धव को और एक उदाहरण देते हैं। एक पंक्षी था गीद वल्चर, एक पंक्षी था जो एक मांस के टुकड़े को लेके जा रहा था, हवा में उड़ रहा था। तब उस बाकी पंक्षी जो इनसे बड़े थे तो वो इस पे आक्रमण करने के लिए आए, क्यों, उनको भी वो चाहिए था मांस का टुकड़ा। तो ये छोटे पंक्षी ने क्या किया, वो जो मांस का टुकड़ा उसने पकड़ा था उसके पैरों में, उसको छोड़ दिया और उसने खुशी महसूस किया, क्योंकि जब तक पकड़ के रखेगा बाकी लोग आएंगे आक्रमण करने के लिए। तो कृष्ण उद्धव को बताते हैं इस तरह से भक्त जब उसको समझ में आता है मेरा जो आसक्ति है ये दुनिया के प्रति, जितना मैं पकड़ के रखता हूँ उतना दुखी हूँ, जब मैं उसको छोड़ूंगा तब मैं एक्चुअली भगवान की सेवा कर सकता हूँ। द लॉर्ड एंड हिज सर्विस आर आइडेंटिकल बीइंग ऑन द एब्सोल्यूट प्लेन, तो भगवान और भगवान का सेवा अभिन्न है, इसलिए भगवान के बारे में सोचना या भगवान की सेवा के बारे में सोचना दोनों एक ही है। Therefore, the unalloyed intelligence and the mind are merged into the Lord, and thus the living entity does not remain a seer himself, but becomes seen by the Lord transcendentally. इस तरह से भक्त
सिर्फ भगवान को देखता नहीं है पर भगवान उसको देखते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती शिला प्रभुपाद के गुरु शिला प्रभुपाद को बताते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड, भगवान को देखने का प्रयास मत करो, ट्राई टू सर्व गॉड इन सच अ वे दैट गॉड वॉन्ट्स टू सी यू, भगवान की ऐसा सेवा करो कि भगवान स्वयं आपको देखना चाहे। जब प्रभुपाद हमारा कृष्ण बलराम मंदिर बना रहे थे वृंदावन में, तब एक डिवोटी थे जो कंस्ट्रक्शन में मदद करने के लिए गए वृंदावन, तो वो बहुत आनंद के साथ गए। जब प्रभुपाद ने उनको वृंदावन बुलाया तो उनको लगा वृंदावन में जाके मैं भजन करूँगा, केशी घाट में बैठ के जप करूँगा, ये वो अलग अलग रोमांटिक सपना देख के गया वो वृंदावन। और वृंदावन में प्रभुपाद ने क्या किया, उसको बिठाया सीमेंट बैग गिनने के लिए, तो सुबह शाम सीमेंट बैग गिनता था वो, कितना सीमेंट बैग आ रहा है अंदर, कितना बाहर जा रहा है। तो ये बाद में उसने प्रभुपाद को बताया, प्रभुपाद मैं वृंदावन में भजन करने के लिए आया पर मैं यहाँ पे महामंत्र नहीं कर रहा हूँ, सीमेंट बैग गिन रहा हूँ। तो प्रभुपाद बोले ये भी सेवा है, हमको कृष्ण को प्रसन्न करना है और कृष्ण के प्रसन्नता के लिए हम ये मंदिर बांध रहे हैं और ये सीमेंट बैग गिनना भी भक्ति है। तो इसलिए भक्ति का डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, भगवान की सेवा करते करते हम भक्ति कर सकते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं ऐसा सेवा करो कि भगवान आपको देखना चाहे। When the living entity is directly seen by the Lord dictates to him to act according to his desire. And when the living entity follows him perfectly, the living entity ceases to discharge any other duty for his illusory satisfaction. इस तरह से जब हम अच्छे से सेवा करते हैं और भगवान हम पे प्रसन्न होते हैं, भगवान हमको ज्ञान देते हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम नाशयामी आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वत। तो भगवान हमारे हृदय से ज्ञान का दीप जलाते हैं, उससे हमको प्रकाश मिलता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जब हम करिष्ये वचनम तव, जब हम भगवान की इच्छाओं का पूरा करने का कोशिश करते हैं, तब हमको समझ में आता है कि ये सही स्वामी है और हमारे इंद्रियों का, हमारे काम वासनाओं का, क्रोध वासनाओं का, मद मोह का, उसका सेवा छोड़ के हम भगवान की सेवा करते हैं। इन इस प्योर अनअलॉयड स्टेट द लिविंग बीइंग अटेन्स अ स्टेज ऑफ फुल ब्लिस लब्धोप शांति एंड सीजेस ऑल मटीरियल हैंकरिंग्स। तो इस तरह से जीव जब भगवान की सेवा करता है पूरे तरह से संतुष्ट, शांत और आनंद प्राप्त करता है और उसका जो भौतिक इच्छा है वो छोड़ देता है। जैसे उदाहरण दिया मैंने, वो पंछी का मांस का टुकड़ा छोड़ के फ्री आनंद से उड़ जाता है। वैसे जब हमको समझ में आएगा जो ये आसक्ति ये दुनिया के प्रति काम क्रोध इत्यादि हमने पकड़ के रखा है, उससे हमको कष्ट मिल रहा है, उसको जब हम छोड़ेंगे और भगवान की सेवा में लगेंगे तभी हम लब्धोप शांति परम शांति की प्राप्ति कर सकेंगे। तो हम टेक्स्ट 17 से कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।